उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे निवेश क्रांति यूपी में लाई जाए, और इसीलिए फरवरी महीने में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और अब अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। लखनऊ में आज रोड शो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, उनसे जानेंगे कि ये जो रोड शो हो रहा है इसके जरिए किस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। जसवंत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की है कि निवेश यूपी में लाया जाए, एक अच्छी पहल नजर आ रही, क्योंकि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं आज लखनऊ में रोड शो का, क्या मकसद इसका है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसी के लिए मंत्री समूह विदेशों में गए, जहां से 7 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा कर के निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज लखनऊ में भी कई सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको भी आप लोगों ने बुलाया, तो उनसे साथ भी इसी पर चर्चा होगी। और एक नई चीज़ हमने देखा है कि अब ये कहा जा रहा है कि अलग अलग मंडलों में भी इन्वेस्टर सबमिट करेंगे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्या जो जिले में उद्योगपति हैं वो भी आए निवेश करें, ये उद्देश्य है? सभी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करें, और जो हमारी नीति है उसका प्रचार प्रसार करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो उद्योग का एक माहौल बना है उसको ठीक दिशा में ले जा करके सबको एक संदेश कि उत्तर प्रदेश में आइए, विकास करिए, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगेंगे तो उससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, तो उसी के साथ उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी $1 ट्रिलियन की भागीदारी करने का निश्चय लिया है, उसी के लिए सब कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हम जो जान रहे थे वो ये था कि 10 लाख करोड़ का निवेश आएगा उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, लेकिन आपने कहा कि 17 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी है। अब निवेशकों की रुचि को देखते हुए और जिस प्रकार के प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, सरकार के पास आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि 17 लाख करोड़ से भी अधिक इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। तो सर ये तो गुजरात के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगा, क्योंकि गुजरात में एक दिन में 15 लाख करोड़ तक का निवेश आया था, प्रस्ताव आए थे, तो 17 लाख करोड़ यानी यूपी गुजरात से भी आगे जाने वाला है। उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में बनके करके उभरा है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ये सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा और देश को एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा मानना है। सर ये 15 जनवरी से अलग अलग मंडलों में भी इसी तरह से इन्वेस्टर समिट होगी, आप लोग जाएंगे? मंडलों में भी होगी और हर स्तर पर कहीं पर भी कोई निवेशक है तो उसको आमंत्रण उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो सब लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएँ, भागीदारी करें, निवेश करें और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरे सबसे निवेदन है। आप लोग तो इतनी कोशिश करें लेकिन अखिलेश यादव क्यों निशाना साध रहे हैं? वो कह रहे हैं कागजों पर हो रहा है निवेश, पहले MOU हुए, अब तक धरातल पर नहीं उतरे। उन्हें विकास का मायने पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास किया होता तो उन्हें जानकारी होती, उन्हें पता ही नहीं इन्वेस्टर समिट क्या होती है। पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उनमें बड़ा निवेश आया था, उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगे हैं, और मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि जरा नाम बताएं कौन सा उद्योग उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर लगा, और उत्तर प्रदेश से जो पलायन हुआ है उसकी सूची मेरे पास है, मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। एक सवाल यह कि मुख्यमंत्री जब मुंबई गए तो वहां से भी 5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, उन्होंने कहा कि जो वेब सीरीज बनाते हैं उनको भी सब्सिडी देंगे। अब यूपी फिल्म बंधु जो है वो एक नीति तैयार कर रहा है, उसमें 1 करोड़ की सब्सिडी देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माता भी आए, निर्देशक भी आए, शूटिंग भी हो, इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है, निवेश उसके जरिए भी आए, हर क्षेत्र में निवेश आए, चाहे वो वेब सीरीज यानी फिल्म उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे फिर कृषि हो, हर क्षेत्र के अंदर निवेश आए, इसके लिए मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रयासरत हैं, पूरी सरकार इस काम में लगी हुई है और निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
तो ये आपने सुना क्या कहना है औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश यही है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। क्या मैं हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।